आज से सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, ओल्ड एज कोरोना वॉरियर्स, सीरियस पेशेंट जो हाई रिस्क में आते हैं, सरकारी व निजी अस्पताल में काम करने वाले सभी कर्मचारी, फ्रंटलाइन कर्मचारी जैसे पुलिस कर्मी, कॉट एलिटमेटिंग टीचर, ICDS डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को फ्री कास्टनरी बूस्टर डोज लगाया गया। इसके अलावा जिन लाभार्थियों को दोनों डोज लगवाए हुए हैं 39 सप्ताह बाद हो गए, वो अपने प्रमाण पत्र ले जाकर अस्पताल में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि आज 60 वर्ष से ऊपर को कोमॉर्बिड और फ्रंट वॉरियर्स प्लस जो भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको डोज लगाई जा रही, बूस्टर डोज लगाई जा रही है, और दो डोज पहले लग चुकी हैं उनको 9 महीने बाद ये डोज लगाई जा रही है। तो आज भी सबसे पहले मैंने लगवाई है, और जब फर्स्ट डोज लगी थी उसमें भी लगवाया था, तो इसको लगाने के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं है। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि फर्स्ट सेकंड डोज जिनको नहीं लगी है वो अतिशीघ्र लगवाएं, जिससे 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगे और अपना देश कोविड से फ्री हो सके। सर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है क्या? है रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहा है, और नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट द स्पॉट भी किया जा रहा है।